प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा का अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि अभियान के दौरान उन लाभार्थियों का कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा जिनके सूची में पहले से नाम है। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 की सूची के जरिए चयनित लाभार्थियों के साथ सभी अंत्योदय कार्ड धारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मान्यता प्राप्त पत्रकार, 3 तलाक पीड़ित महिलाएं और श्रम विभाग की ओर से चयनित श्रम कार्ड वाले भवन निर्माण से जुड़े श्रमिक ही योजना के लाभार्थी होंगे तथा कार्ड बनाने के कैंप के बारे में आशा कार्यकर्ता, पंचायत सहायक और कोटेदार की भी मदद ले सकते हैं। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर संचिता मल, जिला सूचना तंत्र प्रबंधक शशांक शेखर और जिला ग्रीवांश मैनेजर विनय पांडे को आयुष्मान पखवाड़े के सफल आयोजन की जिम्मेदारी मिली है। अभियान के दौरान लगने वाले कैंप में विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर, VLI, आरोग्य मित्र, पंचायत सहायक और CHO की मदद से कार्ड बनाए जाएंगे। अगर किसी गांव या वार्ड में लाभार्थियों की संख्या 50 से अधिक है तो वहां एक से अधिक दिवसों पर कैंप लगाए जाएंगे। ऐसे स्थानों पर एक ही दिन में 2 कैंप भी लगाए जा सकेंगे। कैंप का VLI सेंटर पर होगा। पंचायत सहायक और कोटेदार लाभार्थियों को कैंप स्थल तक पहुँचाने में मदद करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया जो है सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके बाद भी अभी भी हम लोगों ने लगभग 48% घरों का ही कार्ड बना है और लगभग 27% जो है लाभार्थियों के कार्ड बने हैं। तो ये इतना लगभग 4 वर्ष से हमारी योजना चल रही है, तो इसी को गतिमान करने के लिए हम लोगों ने इसका जो शासन ने निर्णय लिया है कि 15 दिन एक पखवाड़ा चला करके लोगों को जागरूकता फैलाएंगे, जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा, ग्राम प्रधान का है, पंचायत सहायकों का है, ब्लॉक के अधिकारियों का, कर्मचारियों का है, जिले का, और जिसमें हमारी आशाएं घर घर जा कर के लोगों को जागरूक करेंगी। आशाएं स्वयं उनके पास मोबाइल पर एक फेस आइडेंटिफिकेशन ऐप है, उसके जरिए बनाएंगे, VLIs बनाएंगे और लक्ष्य करेंगे। जैसे कि गोरखपुर जनपद की अगर हम बात करें तो लगभग हमारे यहाँ 20 लाख से अधिक कार्ड बनाने हैं और अब तक हम लोग जो है 5.5 लाख कार्ड बना चुके हैं। तो इस दिशा में हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, और लेकिन अभी 2 दिन से प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है। कल से शुरुआत हुई है, कल भी मौसम गड़बड़ था, आज भी मौसम गड़बड़ है, लेकिन कल भी लगभग 600 कार्ड हमारे बने थे और आज भी अभी रुझान जो आ रहा है उस पर भी बन रहे हैं। हम लोग प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कार्ड बनाए, क्योंकि ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसके योजना में लगभग हम 1400 बीमारियों का उपचार करते हैं और इसमें जो है गंभीर से गंभीर बीमारियां जो होती हैं उनका उपचार निःशुल्क होता है। एक परिवार को 5 लाख रुपए का कवर मिलता है। गोल्डन कार्ड जो है आयुष्मान कार्ड के लिए ये है कि 2011 की जो हमारी जनगणना हुई थी उस जनगणना में जिन लोगों के नाम जो चिन्हित मानक के अनुसार चिन्हित किए गए थे उन लोगों का बनता है। जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी की या माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र हैं उनको बनता है। अंत्योदय कार्ड धारकों का बनता है और इसके साथ साथ जो है अभी जो है निर्णय लिया गया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कार्ड बनने के लिए। अभी तक हम लोग जो है केवल 2011 की जनगणना का कार्ड बना रहे हैं और अंत्योदय कार्ड धारकों का कार्ड बना रहे हैं। अंत्योदय कार्ड धारक हमारे यहाँ 5 लाख से अधिक हैं, जिसमें हम 1.25 लाख के करीब कार्ड बना चुके हैं।